So good morning student, so in the last video we have already completed that how to make the programs for addition of two number. This is the basic programs which we have already completed. और ये programs जो create होता है ये script mode में create होता है. हम already discuss कर चुके हैं हमारे last video में कि Python में दो तरह के mode होते हैं, एक तो ideally mode होता है और एक script mode होता है. script mode में हम programs को save कर सकते हैं, like हमने ये program create करके save किया था. Now let's move to the next topic, which is data types. Now I want to tell you one thing, that you just listen, because these are the basics. You are in class 7 and these are the only the basics of Python. आपको जितना समझ में आता है, main important ये है कि आपको you just have to listen. ये सारे words, ये सारे नए जो topics हैं आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है? ज़्यादा इसमें लोड लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वैन यू विल कम टू इन टू द हायर क्लास लाइक 11th एंड 12th, और जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, अगर आप कंप्यूटर साइंस या दूसरे सब्जेक्ट्स लेंगे, वहाँ पे ये टॉपिक्स आपको ब्रीफ में पढ़ने के लिए मिलेंगे. बट अभी आपको ये जो चैप्टर क्लास 7 में दिया है, इसे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पाइथन क्या होता है. पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, एंड देर आर सो मेनी यूजर्स ऑफ पाइथन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ डेटा टाइप्स. अब देखो डेटा टाइप्स क्या होता है. ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले इसे समझते हैं. सपोज यू हैव प्लान्ड अ हॉलीडे ट्रिप ड्यूरिंग अ वैकेशन एंड यू हैव टू बुक अ टिकट्स. लेट मी मेक फुल स्क्रीन. ओके जस्ट वेट. ओके सपोज यू हैव planned holiday trip during vacation and you have to book tickets for your family member. The first section that you need to take is to fill a form to get the reservation done, where you need to give your required details like train number, date of journey, name, age, etc. Here every piece of data you enter is a type of a specific type, as your name is a string type, age is a numeric type, the date of journey is a date type. Similarly, Python one must specify in a program what kind of values will be stored in a specific variables. देखो what happens जब when you fill any form, तो जहाँ पर name का कॉलम होता है, हम वहाँ पर इतना नेम लिखते हैं, वहाँ आपका मोबाइल नंबर एंटर नहीं कर सकते हैं. देर यू कॉन्ट एंटर यूअर टेलीफोन नंबर, यूअर एड्रेस. जहाँ पर नेम का कॉलम होता है वहाँ पर आप नेम कर सकते हो, वहाँ पर नंबर्स एंटर नहीं कर सकते हो. तो वैसे क्या होता है, जब भी हम जिस फील्ड में कुछ डेटा एंटर करते हैं, तो वो होता है उसका डेटा टाइप, कि वो पर्टिकुलर कॉलम में या उस पर्टिकुलर रो में या उस पर्टिकुलर सेल में किस तरह की वैल्यू जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ डेटा टाइप. जो हमारा नाम होता है, जिसमें हमारे अल्फाबेट्स होते हैं या हमारा एड्रेस होता है, वो स्ट्रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप. सो पाइथन में बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ ओनली थ्री काइंड्स ऑफ डेटा टाइप. वन इज इंटीजर, सेकंड इज लॉन्ग इंटीजर और बुलियन. ये सब छोड़ दो, आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है और स्ट्रिंग होता है. इंटीजर्स क्या करता है, इंटीजर जो होता है पूरे इस तरह के नंबर स्टोर करता है. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, जस्ट वेट. इंटीजर्स डेटा टाइप जो होता है, जिसको हम शॉर्ट में इंट भी लिखते हैं, ये किस तरह के नंबर ही स्टोर करता है, ये इस तरह के नंबर स्टोर करता है. 2 हुआ, 4 हुआ, 24 हुआ, -24 हुआ, जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, वो इस तरह के नंबर जिसमें डेसिमल सेक्शन नहीं आ रहा है या पॉइंट्स आफ्टर पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज नहीं आ रहा है, उस तरह के नंबर स्टोर करता है. तो दैट इज कॉल्ड अ इंटीजर डेटा टाइप. इंटीजर रिप्रेजेंट इंटीग्रल नंबर्स, नंबर विदाउट अ फ्रैक्शन, एनी फ्रैक्शनल पार्ट. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर्स इन पाइथन. आप इस सब कुछ छोड़ दो, बस आप इतना ध्यान रखो कि एक इंटीजर एक डेटा टाइप होता है. वैसे ही फ्लोट इज अ काइंड ऑफ डेटा टाइप, जो किस तरह के नंबर स्टोर करता है, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसमें डेसिमल पार्ट होता है. तो रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट. The fractional part of a floating point numbers may be zero as well. Example of floating point number is a 3.14 -48.6. हमारे percentage where that is called a float kind of data type. And last the one more is that a string. String में क्या होता है? String में आपका नाम हो सकता है, like double quotes में. और string को हम इस तरीके से लिखते हैं हमेशा. Like Arnold is a string. किसी का address हुआ 74C विजयनगर is also a string. सो दिस इज़ अगेन अ डेटा टाइप. अगर मुझे प्रोग्राम में इस तरह की वैल्यू को स्टोर करना है, तो मुझे उसको जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो मुझे उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो इन पाइथन देर आर थ्री काइंड ऑफ डेटा टाइप्स. वन, अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली इंटीजर्स, फ्लोट एंड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ अ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन अ कोटेशन मार्क. और एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग्स आर दिस आर अ स्ट्रिंग डेटा टाइप. Okay.
अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे 15 इज इंटीजर, 7.9 में डेसिमल आ गया इसलिए ये फ्लोट हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये पूरा स्ट्रिंग हो गया, एंड बुलन आप छोड़ दो, जस्ट इतना ही ध्यान रखो इंटीजर फ्लोट और स्ट्रिंग। बुलन को भी आप समझ सकते हो, इट रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, बट अगर आप इसको पढ़ोगे तो और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बट सो राइट नाउ सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डेटा टाइप्स ओनली डेटा टाइप्स बहुत वो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू दैट पर्टिकुलर वैल्यूएबल विल स्टोर। जैसे इस तरह से हमने अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था ए और बी का, तो यहाँ पे हमने अभी इसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया, बट वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो ए एंड बी हमने वैल्यू ली थी, जिस फिर उसके बाद हमने सी में स्टोर किया था ए प्लस बी। तो 10 एंड 20 इज ए इंटीजर काइंड ऑफ डेटा टाइप, अगर मैं 10.25 लेता तो वो फ्लोट हो जाता। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ इनपुट फंक्शन। देखो हमने दो जो है सीन माय लास्ट वीडियो, तो वहां पे हमने क्या किया था, इस तरीके से इनपुट फंक्शन यूज किया था, या सॉरी हमने नहीं किया लास्ट प्रोग्राम में। लेट मी टेल यू व्हाट इज इनपुट फंक्शन। देखो इनपुट फंक्शन क्या करता है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इनपुट फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर अ वेरिएबल फ्रॉम द यूजर। टू इनपुट यूजर एंड फ्लोट वैल्यूज वी कैन यूज इंट और अ फ्लोट अलॉन्ग विद द इनपुट फंक्शन। Whenever we have to take the values from the user, user मतलब जो program run करता है उससे हमें कुछ value लेनी है screen से, तो हम input function use करते हैं। तो input function की बस एक single line, only one line of definition you have to remember, input function is used to accept the value for a variable from the user। किसी भी variable के लिए जब value लेने होती है user से तब हम input function use करते हैं। ठीक है, these are the practicals जिसको आप करके देख सकते हो। Just wait. Okay, and I think this is over. So this all are the topics which we have already covered. So just wait. Okay, input function and data type. So I think this chapter is over here. Again, I want to tell you, if you want to learn the Python, if you want to learn the basics of Python, see the videos from the starting. Don't see the video from the in between, because if you will see the videos from the starting, then only you will be able to understand what is going in the topic. So again, just we will do the quick revision that what is Python. अगर आपसे पूछता है कि Python क्या है, so Python is a programming language जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम programs create करते हैं। ठीक है, पाइथन की हेल्प से हम गेम डिज़ाइन कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस थी जो हमने डिस्कस करी थी, बिल्ड अ वेबसाइट, डेवलप अ गेम्स, प्रोग्राम रोबोट्स, प्रोग्राम स्पेसिफिक कॉम्प्यूटेशंस, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ पाइथन। डेटा साइंस में पाइथन यूज होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।